नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम सिंबोसिस स्कूल में हैं, जहां पे ड्रग्स के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो कार्यक्रम थाना पुलिस आयुक्तालय की तरफ से गया है, इसके मुख्य अतिथि था जो थाने के डीसीपी डॉक्टर स्वामी, एसीपी रमेश धुमाल साहब यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो आशा की किरण के यहाँ पे जो एक संस्था है उसकी तरफ से यहाँ पे उसका जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो भी नशे में लिप्त है उसके खिलाफ यहाँ पे उनको रिहैब सेंटर की जो उनकी जो बच्चा जो नशे में मुब्तिला होता है उसके खिलाफ यहाँ पे उन्होंने इस कार्यक्रम के ज़रिए उनको इस नशे से मुक्त कराने के लिए यहाँ पे जो भी जो चीज़ें उन्होंने दिखाई प्रोजेक्ट के ज़रिए, क्लिप्स के ज़रिए, ताकि वहाँ आज जो नौजवान नस्लें जो नशे की तरफ जा रही है उससे उन्हें मुक्त किया जाए। कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के अलावा मदरसे के बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और इस कार्यक्रम में यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से नशे से दूर रहा जा सकता है। यहाँ पे लोगों के खास करके स्कूली बच्चों में जो नशे को लेकर यहाँ पे जो चल रहा है उसे इस बच्चे को यहाँ पे नशे से मुक्त कराया जाए, ताकि जो बच्चों में जो नशे को लेकर ज़्यादा लोग इसमें मुब्तिला हो गए हैं, ताकि यहाँ पे इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें ये बताया जा रहा है कि उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से नशे से दूर रह सकते हैं। इस बारे में यहाँ जो डॉक्टर स्वामी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप नशे से बचा जा सकता है। कुछ नहीं, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि बच्चों ड्रग्स में जो है छोटे छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों का जो अभी ये बडिंग कंडीशन में है तो उनको बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ऐसे गंदे कामों से बच्चों ने दूर रहना चाहिए। उसमें जो है सोसाइटी का भी इफेक्ट होता है, स्कूल्स का इफेक्ट होता है, घर का इफेक्ट होता है, तो वो जो है वो जिस जहाँ से वो बढ़ते पलते हैं तो वहाँ सोसाइटी का आजू बाजू का इफेक्ट होता है। तो बच्चों में जो है बच्चों में अवेयरनेस अगर क्रिएट किया तो मुझे नहीं लगता कि आगे की नस्ल जो भी है, जो भी आगे मतलब जनरेशन जो है बढ़ने वाला, आगे जाने वाला जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, वो और अच्छा होगा और ये बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऐसा है कि इसके लिए और कहाँ का ये प्रोग्राम होने वाले? हर एक स्कूल में हम जाएंगे, स्कूल में प्रोग्राम लेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, टीचर्स को अवेयर करेंगे। अगर ऐसा कुछ दिखता है, लगता है, तो उसमें क्या है कि वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी जल्दी आएगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वर्क कर सकेंगे। हमारे साथ में आशा की किरण फाउंडेशन के जो फाउंडर है जुबैर कुरैशी, उनसे बात करते हैं। जो आज का जो कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है उसके बारे में बताइए। जी, जैसे आज का एक कार्यक्रम था लव लाइफ किक ड्रग्स, ये हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सर हैं डीसीपी साहब, हमने इसलिए आयोजित किया था कि ये यहाँ पर जो इतना नशा है मुमरा में, लोगों के पास रास्ता नहीं है, घर में पता है बच्चे नशा करते हैं, मोहल्ले में लोग देख रहे हैं बच्चे नशा करते हैं, लेकिन उनको कहाँ ले जाए, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों को पता है जिनके दिमाग में कुछ और भरा हुआ है कि एक नशेबाज ऐसे होता है, एक नशेबाज को नज़दीक नहीं कर सकते हम, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि नशेबाज को मदद करना बहुत ज़रूरी है, वो कोई जन्म से नशेबाज नहीं है, उसे हालातों ने नशेबाज बनाया है। तो मैं सभी लोगों से यही, ये प्रोग्राम का हमारा मोटिव था कि जो ड्रग्स का अवेयरनेस है ये लोगों तक पहुँचे, कि हमारे आसपास जो भी चल रहा है, जो भी बंदा नशे में है हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, उसे एक सही रास्ता दिखाएं, उसे किसी भी तरह से उसे हेल्प करने की कोशिश करें। कि ये जो आपका पहला कार्यक्रम था जहाँ पे आपकी जो आशा की किरण फाउंडेशन इसमें सपोर्ट किया है, उसके अलावा मुमरा में आप कहाँ कहाँ और कितने प्रोग्राम करने हैं? काफ़ी सारे प्रोग्राम अरेंज किए हुए हैं, जैसे आने वाले नए सालों में, अभी जैसे मुमरा में नए सीनियर साहब आए हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ और यहाँ की हालात काफ़ी ख़तरनाक हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे नशे में जा रहे हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जो हमने यहाँ पर शुरुआत की है, और हम लोग यहाँ से अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे, आप तक भी पहुँचेंगे काफ़ी सारे मैसेज,
और मैं गुजारिश करूंगा लोगों से जो भी ये अभी ये चैनल देख रहा होगा उनको भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए और हर एक बच्चे की मदद करनी चाहिए। नशे को इस मुमरा से क्या इस दुनिया से हमें उखाड़ फेंकना है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया था। न्यू जनरेशन जो ड्रग्स की तरफ जा रही है तो उसको क्या उसके किस तरीके से रोका जाए, ऐसा कोई मैसेज आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने बच्चों के ऊपर। जस्ट अगर देखो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो सिगरेट पीते हैं और वहीं से उनकी शुरुआत होती है। और तो पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान रखना होगा। थैंक यू। अभी आपने देखा जो हमारे साथ में जो आशा की किरण के जो फाउंडर थे उन्होंने बताया कि उतना जो आसपास का जो समाज है उसके साथ साथ माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा जो शुरुआत जो 7th स्टैंडर्ड से जो नशे की तरफ जाता है उसको उसी वक्त रोका जाए ताकि जो उसके ऊपर एक ड्रग एडिक्ट ना बन पाए। इसके लिए यहाँ पे रोकथाम बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अनीप शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।